Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इस पार्ट को भी हम दो ए और बी पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये चैप्टर एट जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हमें पढ़नी है, काफ़ी एग्जांपल्स के साथ पढ़ने हैं। तो ज़्यादा अगर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी चली जाएगी और हम और टॉपिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम पार्ट ए में, फोर्थ के पार्ट ए में समझेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और पार्ट बी में समझेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जिसका पैसिव पार्ट हम बी में समझेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी का जो एक्टिव टाइप है वो कैसे होता है, क्या है इम्यूनिटी, कैसे इम्यूनिटी वर्क करती है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि जब भी एक होस्ट, मतलब जैसे कि हमारी बॉडी जब किसी एंटीजन से एक्सपोज होती है, कोई भी फॉरेन बॉडी से एक्सपोज होती है, चाहे वो लिविंग हो या डेड माइक्रोब्स हो या कोई भी तरह का पैथोजन, कोई माइक्रोब हो, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। मतलब उस एंटीजन से, उस पैथोजन से, उस माइक्रोब से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंड ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, होस्ट की बॉडी में, मींस हमारी बॉडी में। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बी सेल्स जो हैं वो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और ये फाइट करते हैं एंटीजन से। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी ने डायरेक्ट एंटीजन को देखा कि अच्छा ये एंटीजन है और फिर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और ये टाइम लेती है पूरा रिस्पॉन्स देने के लिए, इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि हम हर बार हमारे बॉडी में एक न्यू पैथोजन एंटर करता है पूरे लाइफ टाइम में। तो जब कोई न्यू पैथोजन आता है तो इम्यूनिटी को उसे पहचानना पड़ता है, वो कैसा पैथोजन है, उसके खिलाफ किस टाइप की एंटीबॉडी बनानी है। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कितनी डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी हैं, जी मेड जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया था, तो वो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी हमारे पैथोजन जो एंटीजन है उसके खिलाफ बनेंगी। तो पहले हम उसको समझेंगे ना, अच्छे से हमारी इम्यूनिटी समझेगी कि वो पैथोजन कैसा है, इसीलिए इनिशियली रिस्पॉन्स स्लो होता है। अब अगर हम माइक्रोब्स को, जिस तरह से इम्यूनाइजेशन में जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ क्या होता है, हमारी बॉडी में माइक्रोब्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो कि डेड हैं या फिर हीट किल्ड हैं या एटीन्यूएटेड हैं, मींस वो हमें इन्फेक्शन नहीं कर सकते। बट हमारी बॉडी को तो ये नहीं पता, मैंने आपको बताया था हमारी इम्यूनिटी ये नहीं डिसाइड कर सकती कि पैथोजन लिविंग है या डेड है, वो बस ये समझती है कि ये पैथोजन है, ये कोई एंटीजन है, फॉरेन बॉडी है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दो। तो इस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं थोड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एक हमारे पास पैथोजन आ गया है न्यू, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो उस पैथोजन के खिलाफ। अगर इन फ्यूचर, इन रियलिटी में मेरी बॉडी में अगर रियल वायरस आ गया, वो रियल हमारा एंटीजन आ गया, तो मेरी बॉडी के पास पहले से उसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर हों, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में जिस तरह से आपका आते हैं जो एंटीटॉक्सिन है, जो आपके वेनम, एंटी वेनम है, ये आपकी पैसिव इम्यूनिटी है। अगर आपको कोई सांप ने बाइट कर लिया है तो आप ऐसा नहीं कि वेनम को प्रोवाइड करोगे लेस इन्फेक्शियस फॉर्म में और वेट करोगे कि एंटीबॉडीज़ खुद से बनाए एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं, उस टाइम आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करोगे और पैसिव इम्यूनिटी दोगे, और पैसिव इम्यूनिटी फास्टर होती है, वो हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे पैसिव इम्यूनिटी वर्क करती है। तो ध्यान रखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जब वो पैथोजन से, मतलब आपकी बॉडी पैथोजन से एक्सपोज होती है। पैसिव इम्यूनिटी में आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। इसका एक एग्जांपल है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी बताया था
कि आफ्टर पाचुरेशन मदर जो है जो इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रिएट होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये जो कोलेस्ट्रम जो फ्लूइड है इसके अंदर होते हैं एंटीबॉडीज, और कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, IgA, और IgA एंटीबॉडी इन्फेंट को और वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो भी इन्फेक्शन उसको हो सकते हैं इन फ्यूचर से बचाते हैं, फाइट मतलब एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, बनी बनाई उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर दी कि छोटे मोटे कोई इन्फेक्शन से उसकी बॉडी फाइट कर पाए। तो इस तरह से फीटस जो है वो एंटीबॉडीज रिसीव करता है, IgA एंटीबॉडी रिसीव करता है थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कोलेस्ट्रॉम से भी उसे IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड होते हैं। तो ये इम्यूनिटी का पार्ट है। अभी हम अडैप्टिव इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेक्स्ट आपके पास हमने पढ़ा था इननेट इम्यूनिटी जो कि नेचुरल या फिर जेनेटिक इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, और ये सिंस बर्थ हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी ऑर्गेनिज्म को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, जिस तरह से स्किन हो गया, टीयर, स्टमक एसिड जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इंटरनल डिफेंस में क्या आता है, इन्फ्लेमेशन, फीवर, और मैंने आपको बताया था मैक्रोफाज वो फैगोसाइटोस कर लेंगे जो भी आपके माइक्रोब हैं। अब ये जो यहाँ डायग्राम है इस ये दोनों को हम इस वीडियो में और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल और आर्टिफिशियल किस टाइप से होती है, पैसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैसी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं जो अडैप्टिव इम्यूनिटी है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो आपका कैसा हो गया, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। अब ये है पैथोजन स्पेसिफिक, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, इसके पास मेमोरी भी है, ये पहचानती है कि कौन सा पैथोजन आया है, कौन सा एंटीजन आया है। अब इसको टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में पैथोजन के एक्सपोजर से बनती है, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई एंटीजन आया, तब आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, जब एक्सपोज हुआ किसी डिसीज एजेंट से तो बी सेल ने, जो आपके बी लिम्फोसाइट है, उन्होंने आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाए। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कैसे हैं, वाई शेप्ड प्रोटीन, हमने ऑलरेडी एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है। दे आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू साइट्स ऑन टॉक्सिन और पैथोजन, और हमें ये भी पता है उसमें एक वेरिएबल बाइंडिंग साइट है, लाइट चेन है, हेवी चेन है, और वहाँ पे वो एंटीजन को बाइंड करते हैं। तो एंटीबॉडी कैसे होते हैं, डिसीज स्पेसिफिक होते हैं, हर एक डिसीज के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आपको मम्स हुआ है तो जो मम्स वायरस है उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपके बॉडी में बनेगी, एक स्पेसिफिक आर्मी ऑफ प्रोटीन बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि वो मम्स वायरस आपके फ्लू वायरस से भी लड़ सके, नहीं, फ्लू वायरस के लिए एक डिफरेंट एंटीबॉडी बनेगी। तो जो इम्यूनिटी है, यहाँ लिखा इम्यूनिटी डज नॉट हैपन इमीडिएटली अपॉन डिसीज एक्सपोजर, तो ये बिल्कुल सही बात है, आपकी इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि आपको वो डिसीज होते ही इम्यूनिटी डेवलप हो गई, जब आपको वो डिसीज होगी, एक्सपोजर होगा, फाइट होगी, एंटीबॉडीज बनेंगी, मेमोरी सेल्स बनेंगे, इस तरह से आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे ग्रो करती है, मेमोरी बनाती है डिफरेंट पैथोजन्स और एंटीजन्स के खिलाफ। नेक्स्ट आपका आता है, अब जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी है, मैंने पहले ही कहा था वो स्लो इम्यूनिटी है, क्योंकि अगर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट एक्सपोजर है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी आपको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो दो टाइप की हो गई, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमें पता है कैसी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी जब आपकी बॉडी में डेवलप होगी, जब आपके बॉडी में कोई पैथोजन आएगा और आपकी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नेचुरली जब आप कभी बीमार पड़ते हो, आपको कोई बीमारी हुई है, तो जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ बहुत ही फेमस चिकन पॉक्स का लेते हैं, बोलते हैं ना लाइफ में एक ही बार चिकन पॉक्स होता है किसी को, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना लिए,
मेमोरी सेल्स बना लिए, जो एंटीबॉडीज की आर्मी बनाई थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स के वायरस से लड़ाई की, वैसे ही हमारे मेमोरी सेल्स भी स्टोर हो गए। तो अब एक नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई जो आपको लाइफ टाइम चिकन पॉक्स से बचाएगी और आपको कभी चिकन पॉक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जिसका बेस्ट आप पोलियो का, पोलियो वैक्सीन, आप ऐसे हमने एड्स भी देखी होंगी हम, जिसमें कहते हैं दो बूंद जिंदगी की। तो वो दो बूंद क्या है, वो जो आपकी वैक्सीन है उसके अंदर असली में आपका वो डिसीज का ही वायरस है, बट वो कैसा वायरस है, वो हीट किल्ड है, एटीन्यूएटेड या फिर वीकेंड वायरस है, वो आपको बीमार नहीं कर सकता। अब जो पोलियो की वैक्सीन आपको पिलाई जा रही है उसमें है पोलियो वायरस ही, बट वो वीकेंड वायरस है। पर ये बात आपकी इम्यूनिटी को नहीं पता, आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता, वो तो सोचेगा कि असली पोलियो वायरस आ गया, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ आपने डेलिब्रेटली खुद से एक पैथोजन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप उस डिसीज के खिलाफ इम्यूनिटी बना पाए। तो आप देख सकते हो कि पोलियो वायरस 6 to 8 ईयर तक बच्चों को दिया जाता है, छोटी एज से स्टार्ट करके आपका 6 to 8 ईयर से दे, क्योंकि ये जो पोलियो वायरस है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये वायरस के खिलाफ जो इम्यून सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी से भूल जाती है, मतलब वो डेवलप, उनका जो मेमोरी सेल्स का लाइफ स्पैन है वो कम होता है। तो बार बार जब हम इस पोलियो वायरस का वैक्सीन से हमारी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम सीख जाता है कि अच्छा ऐसा ये वायरस है, इसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रखनी है इन फ्यूचर, है ना, क्योंकि उसे तो लगता है ये असली है, बट हमें पता है कि अगर असली वायरस भी आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए रेडी है। तो ये जो वैक्सीन क्या हो गई, अब वैक्सीन क्या है, हीट किल्ड एटीन्यूएटेड और वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स इज वैक्सीन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आर बॉडी बाय मेकिंग आर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग या फिर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज वाया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। तो आपने इम्यूनाइजेशन में क्या किया, आपने अपनी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करके, ताकि बॉडी नेचुरली जो है इम्यूनिटी डेवलप कर ले इन फ्यूचर होने वाली किसी भी बीमारियों के लिए। तो ये आप क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन, वैक्सीन हम समझ गए, इम्यूनाइजेशन हम समझ गए। अगर वैक्सीनेशन की डिफाइन आती है तो हम क्या लिखेंगे, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपको वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी, और वैक्सीन क्या है, आपका हीट किल्ड एटीन्यूएटेड या वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब या फिर माइक्रोब या पैथोजन ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching the video.